हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। आज मैं एक ऐसे फ्लावर प्लांट के बारे में शेयर करने वाला हूं जिसके ऊपर कभी भी पेस्ट का अटैक या फिर फंगल इन्फेक्शंस होता नहीं है। तो इस वजह से आप इस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है जो ऑलमोस्ट पूरे साल भर ही फ्लावरिंग करता है। ये है ब्लीडिंग हार्ट, जो बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लांट है, गुच्छों में फ्लावरिंग होता है। इसके बारे में मैं आज शेयर करूंगा, इसके प्रोपागेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा और मैं कुछ कटिंग ग्रो किया हूं जिसमें फूल तो ऑलरेडी खिलना शुरू हो चुका है, वो रिजल्ट भी मैं आज शेयर करूंगा। उससे पहले वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है मेरे ब्लीडिंग हार्ट के एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट जिसके ऊपर अभी आप देख सकते हैं फ्लावरिंग हो रहा है। फ्लावरिंग तो ऑलमोस्ट पूरे साल भर ही खिलते हैं इसके ऊपर। और मैं बताना चाहूँगा, इस प्लांट को मैं कटिंग से ग्रो किया हूँ और इसके बाद मैं इसी प्लांट से बहुत सारे नए नए से प्लांट कटिंग के थ्रू ग्रो कर चुका हूँ। तो जैसे कि आप देखिए, प्लांट ज़्यादा बड़ा ज़्यादा लंबा होता नहीं है, एक सेमी वाइन टाइप प्लांट है जिसको आप टाइम टू टाइम प्रूनिंग करोगे तो प्लांट बहुत ही अच्छा सा फ्लावरिंग करता है। और आप इसे चाहे तो आपके बैल्कोनी पे भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं एक छोटे से प्लास्टिक के पॉट के अंदर इसको ग्रो किया हूँ और बहुत सारे फूल अभी खिलना शुरू हो चुका है। और इसी पॉट के अंदर मैं कुछ कटिंग भी लगाया था, कटिंग भी मेरा सक्सेसफुली लग चुका है और भी मैं कुछ कटिंग ग्रो किया हूँ उसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो चुका है, वो भी मैं आखिर में शेयर करूँगा इस वीडियो पर, तो वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए, फूल जो खिलते हैं वो व्हाइट कलर में खिलते हैं और फूल के अंदर से और एक फूल निकलता है जिसका कलर रेड है। इसके वजह से फ्लावर की जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे कि मैं पहले ही बताया, बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है, इसके ऊपर पेस्ट या फिर फंगल इन्फेक्शंस लगते नहीं हैं। आप चाहे तो बिना केयर किए आपके घर के अंदर या फिर छत के ऊपर इसे ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा बहुत तेज धूप की ज़रूरत नहीं है, आप सेमी शेड वाले जगह पर भी जहाँ पर 1 से 2 घंटे की धूप मिले वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो जैसे कि आप देखिए, मैं कुछ कटिंग ग्रो किया था, उस कटिंग के अंदर ही मेरे अभी फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। और कटिंग कैसे ग्रो करते हैं इसके बारे में मैं तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ पर बता चुका हूँ, जो भी आप देख सकते हैं मेरे जो कटिंग ट्रे है थर्मोकॉल के डिब्बे, उसके अंदर मैं सिर्फ सैंड के अंदर कटिंग ग्रो करता हूं और मेरे कटिंग में देखिए ऑलरेडी फ्लावरिंग हो रहा है। मैं कुछ 1 महीना पहले कटिंग ग्रो किया था और मैं आज इस पॉट से प्लांट को निकाल कर दिखाऊंगा कि कितने सारे रूटिंग हुए हैं इस सब कटिंग में। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, मैं कटिंग ग्रो करने के लिए किसी प्रकार रूटिंग हॉर्मोन या फिर मैं किसी प्रकार खाद का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, सिर्फ सैंड में ही कटिंग ग्रो किया हूँ और इसी कटिंग ट्रे के अंदर और भी बहुत सारे प्लांट्स ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं सैंड इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि इसमें बहुत जल्दी रूट्स डेवलप होते हैं और जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो रूट डैमेज भी कम होता है। तो इसको निकालने से पहले आप सैंड को बहुत ही अच्छी तरीके से भिगो दीजिए ताकि प्लांट्स अच्छे से निकल आए और रूट डैमेज ना हो। तो देखिए, रूट तो ज़्यादा हुआ नहीं है, सिर्फ 1 महीना ही हुआ है मैं इस कटिंग को लगाए हुए। जो भी हो, कटिंग अभी काबिल है इसको रिपोर्टिंग करने के लिए, मैं अभी इसको रिपोर्टिंग कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं, आप भी इसी तरीके से 6 से 7 इंच का एक कटिंग ले लीजिए और सिर्फ सैंड के अंदर ग्रो कर दीजिए और कटिंग को आप थोड़ी सी शेड में रखिए जहाँ पर इसके ऊपर तेज़ धूप ना आता हो, तो आपके प्लांट पे बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी रूटिंग निकल कर आएगा। अब मैं इसको रिपोर्टिंग करूंगा एक कैरी बैग के अंदर जिसके अंदर मैं ऑलरेडी पॉटिंग मिक्स ले चुका हूँ। हालाँकि मैं अभी ज़्यादा खाद का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, मैं पॉटिंग मिक्स में मिट्टी, सैंड और थोड़ा सा भर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया हूं। तो इसी तरीके से आप भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और रिपोर्टिंग करने के बाद बहुत ही अच्छे से इसको वाटरिंग कर दूंगा और इसको दिन के लिए शेड में रखूंगा जहां पर इसके ऊपर तेज़ धूप ना आता हो। पर अगर आपके प्लांट पे फ्लावरिंग ना आता है तो आप इसमें DAP और पोटाश का मिक्स दे सकते हैं 1 टीस्पून 12 इंच पॉट के लिए, हर 15 दिन के अंतराल पर देते रहिए तो आपके प्लांट पे फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा। मैं तो हर 15 से 20 दिन के अंतराल पे मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ, तो मेरे प्लांट का ग्रोथ भी सही है जैसे कि आपके सामने है। कटिंग भी मेरा लग चुका है और इस कटिंग ट्रे के अंदर भी मैं मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ,
तो फ्रेंड्स ये तो था ब्लीडिंग हार्ट प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और इसके प्रोपेगेशन के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।